महिलाओं पे हर तरफ हो रहा बलात्कार है, उनके खिलाफ अपराध है और युवा बेरोजगार है। वो विधायक कमीशन खोरी में लग जाते हैं कि वो तो दलित नेता है नहीं, वो लोग दलित नेता बन गए हैं। और मैं उन्हें दिखाऊंगी कि वाकई में दलितों के बीच काम करना क्या होता है और किस तरह से दलितों का उत्थान है। बड़ी पार्टियां आ गई, मैं टक्कर देने के लिए तैयार हूं। मैं क्या, जनता टक्कर देगी, ये लोकतंत्र है। जनता जनार्दन होती है, ये कहावत उस वक्त सत्य होता है जब चुनाव आते हैं, क्योंकि चुनाव में जो पार्टी कल्याण का काम करती है उसी को जनमत जनता देती है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। और मेरे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में बता दूं, लगातार 2012 से वो संघर्ष कर रही हैं और आज के समय में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, आम जनमत पार्टी, जिनकी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनका नाम है अनामिका पासवान जी। सबसे पहले अनामिका जी, हमारे चैनल को टाइम देने के लिए सबसे पहले शुक्रिया। नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो आने वाले चुनाव, जो चुनाव होने वाला है, उसके लिए पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए आपका रोड मैप क्या है? ये देखिए, आम आदमी जो आज के हैं, खासकर बिहार की जनता, वो बहुत ही बदहाली में है, परेशानी में है, क्योंकि बिहार के जो हालात हैं, जिस तरह से वर्तमान सरकार ने ये कहा कि मैं बिहार में बहार ला दूंगा, मैं बिहार में हरियाली ला दूंगा, हर ओर अभी जल जीवन हरियाली उनकी चल भी रही है, मैं बिहार को चांद तक भी पहुंचा दूंगा, लेकिन आज आप देखेंगे कि जहां उत्तर में बाढ़ की विभीषिका है और दक्षिण में सुखाड़ रहता है, बीच में मारधार अपराध है, महिलाओं पे हर तरफ हो रहा बलात्कार है, उनके खिलाफ अपराध है और युवा बेरोजगार है और पलायन की स्थिति बनी हुई है और बिहार की सड़कें आपको दिखती होंगी हेमा मालिनी के गाल की तरह, लेकिन वो सिर्फ 4 लाइन है जहां से बड़े नेता गुजरते हैं और बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन आप उन गलियारों में जाइए जो जहां पे हमारा देश बसता है, क्योंकि भारत गांव का देश है और जब आप गांव में जाएंगे तो वहां पे आपको विकास दिख जाएगा। वो चाहे सड़क, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे, वहां पे नीतीश जी का विकास दिख जाता है। मैम, जिस तरीके से आम जो पार्टी है, सारी जनता दल हो चाहे राष्ट्रीय, अपने अपने मैनिफेस्टो में, जैसे राजद ने बोला कि हम रोजगार देंगे, वैसे ही नीतीश कुमार अलग कहते हैं, बीजेपी अलग कहती है, सबका अलग अलग एजेंडा होता है, 7 निश्चय वादे होते हैं, लेकिन वो वादे इलेक्शन और चुनाव तक ही रह जाते हैं, आम जो स्थल है वहां पे नहीं आ पाते, जो धरातल पे वो नहीं आते, सिर्फ जुमले बन के रह जाते हैं। कई बार तो पार्टियां कह देती है कि ये तो सिर्फ हमारा मैनिफेस्टो था, हमने सिर्फ वादा किया था, लेकिन करेंगे करेंगे अगले चुनाव तक टाल देते हैं। तो आप वो अलग क्या करने वाली है जनता के लिए जो उनके लिए बेहतर हो? जी देखिए, सबसे पहले तो कोई भी पार्टी जब मैदान में आती है या अपने प्रत्याशी को उतारती है तो जनता यही सवाल करती है और आप भी कर रहे हैं कि आप क्या करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हर पार्टी की मैनिफेस्टो अलग अलग होती है, हमारी भी है। हमारी खासकर महिलाओं पे काम बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हर पार्टियां जो है वो सत्ता परिवर्तन की बात करती है पर व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करती, क्योंकि जो व्यवस्था परिवर्तन अगर हो जाए तो सत्ता किसी की भी रहे तो वो चला लेंगे, पर यहाँ व्यवस्था बिल्कुल त्रस्त हो चुका है, प्रशासन जनता की नहीं सुनते और वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। जो विधायक उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए बनाए गए थे वो विधायक कमीशन खोरी में लग जाते हैं, जो भी विकास का पैसा है वो निकलता जरूर है पर पेपरों पर वो जनता के विकास में लगता नहीं है। तो हमारी जो पार्टी काम कर रही है, सबसे पहले ये है कि अगर हम सदन में पहुंचते हैं तो पुरजोर तरीके से सबसे पहले जितनी भी योजनाएं चल रही है उसको धरातल पर योजना उतारी नहीं गई है, वहीं पे हम काम करना चाहते हैं। मैम, जैसे आपने बात की महिलाओं को लेकर के, हाल ही में यूपी में घटना हुई है, काफी सोशल मीडिया काफी चर्चे में आई है, इस पे योगी सरकार का भी कुछ कहना नहीं है, जहां नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जो वो भी कुछ बात नहीं कर रहे, जिस तरह से रातों रात सौ को जला दिया जाता है, उनके परिवार को नहीं बताया जाता है, तो इसमें महिलाओं के लिए जो आए दिन ये सब आरोप चल रहे हैं या रेप का कांड चल रहा है या जिस तरीके से महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, इस बारे में आपका क्या कहना? जी देखिए, महिला प्रताड़ना पे हम लोग शुरू से ही काम कर रही हूँ, लगभग मैं 10-12 वर्षों से काम कर रही हूँ और मैं इन बातों को समझती हूँ कि कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिनके खिलाफ अगर अपराध होता है वो तो थाने तक पहुंचती है क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है। तो हम सबसे पहले महिलाओं में अवेयरनेस लाने के लिए कमेटी का निर्माण है। दूसरी बात है, अपराध को छिपाने के लिए आपको याद होगा कि जब कांग्रेस सरकार को हटानी थी और मोदी सरकार को
लाने की बात हो रही है, तो किस तरह भारत में एक दामिनी कांड को हवा दी गई थी और सत्ता पलट कर दिया गया था। तो और यही वर्तमान सरकार है कि यूपी में कांड होता है, रातों रात सब जलाया गया और उस पे चुप भी साधे हो, क्योंकि दोनों जगह उन्हीं की सत्ता है, तो वो बोलेंगे किस तरह। हमें ये लगता है कि अगर हमने महिलाओं को जगा दिया तो ये खुद लड़ने को तैयार हूं। मैं चाहती हूँ कि हर महिला में झांसी की रानी और हर महिला में सावित्री बाई फूले हो। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके जो नेता वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात करे। नेता तो वो होता है जो एक अपने समाज और वर्ग और क्षेत्र को नेतृत्व दे, वही नेता होता है, और यही हमारी सोच है। नीतीश कुमार जी आए जी गुनगाते रहते हैं कि हमारे पास, हमने इतनी तरक्की की है, लेकिन जब कोरोना की स्थिति आई तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि बिहार प्रभावित रहा मेडिकल के क्षेत्र में। अगर आप सत्ता में आती है, आपको बहुमत मिलता है, तो मेडिकल के क्षेत्र को लेकर क्या आगे सोच बनाया जाएगा, क्या नए तकनीक लाए जाएंगे? जी देखिए, मेडिकल की बात अगर करते हैं तो हम भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, हमारा भी हॉस्पिटल चलता है और हम बाखूबी समझते हैं। हम अभी कल्याणपुर क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल सभी जगह बने हुए हैं पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे मेडिकल शॉप है अंदर में पर दवाइयां नहीं है। तो मैंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की बात होनी चाहिए। अगर हमारे पास बिल्डिंग है स्कूलों की और वहां पे शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको व्यवस्था सुधारना होगा। सेम टू सेम वही बातें हैं कि यहाँ पे जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं वो सभी अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक को चला रहे हैं और सभी को ये जानकारी होती है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर बोलने को तैयार नहीं, ना हेल्थ मिनिस्टर ना एजुकेशन मिनिस्टर। तो व्यवस्था परिवर्तन की बात होनी चाहिए और स्वास्थ्य सुधारने के लिए हमारा ये है कि पंचायत लेवल पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, ये हमारी मांग है। एनडीए महागठबंधन बड़ी पार्टियों की लड़ाई है, उसमें आपकी पार्टी जो नई पार्टी है वो कैसे उन लोगों को चुनौतियां देगी? जी देखिए, ये लोकतंत्र है और हम भले ही नई पार्टी है और हमने इसलिए नई पार्टी जनता की मांग पर बनाई गई है और हम इसलिए काम कर पा रहे हैं इस लोकतंत्र में क्योंकि जनता मालिक है। आप देखते होंगे कि जितने भी विधायक होते हैं बड़ी पार्टियों के, वो ना ही वो जनता के बीच जाते हैं, ना ही सदन में वो अपने क्षेत्र के सवालों को उठाते हैं, और बड़ी पार्टी की वजह से वो जीत कर जाते हैं और इसलिए वो जनता का वैल्यू नहीं देते हैं। और हमने इसीलिए छोटी और नई पार्टी से आने का फैसला लिया ताकि अगर हमें ये लगा कि अगर सेवा और गुलामी ही करनी है तो प्रजातंत्र में हम प्रजा की ही सेवा करेंगे। और हम वाकई में जो हमारे संविधान में जो विधायक सांसद का पद बनाया गया है कि आपको जनसेवक बनकर करना है काम, तो हम जनसेवक बनकर दिखाएंगे, किसी पार्टी का गुलाम नहीं बनना है मुझे। और अगर बड़ी पार्टियां इतनी ही बड़ी है तो वो आ जाए अकेले मैदान में, मैं निपटने के लिए तैयार हूं कल्याणपुर। दलित को लेकर के जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति हो रही है, चिराग पासवान अलग कर रहे हैं, जीतन राम मांझी जी अलग कर रहे हैं, तो आप उनके उत्थान के लिए आपका क्या मैनिफेस्टो है कि वो दलित जो लग रहे हैं जिनके लिए ये सब चुनाव पे जितने जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी जो बवाल किए हुए हैं उस पे आप कैसे नजर रखती हैं? जी देखिए, वो तो अब दलित नेता है नहीं, वो लोग अब बलित नेता बन गए हैं क्योंकि वो बंसाली हो चुके हैं, अपने आप को बंसाली धनवान मानते हैं। और ये लोग ऐसा नहीं है कि समाज की राजनीति कर रहे हैं या क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं या दलित समाज के लिए उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, वो तो जो भी कल्याण कर रहे हैं अपने परिवार का कल्याण करना चाह रहे हैं। वो चाहे हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी हो या चिराग पासवान जी हो, अगर लोजपा को देखा जाए तो वो पूरी तरह परिवार की पार्टी है। उन्होंने 40 वर्षों से जनता ने उन्हें दलित नेतृत्व सौंपा है, पर वो बता दे कि आज भी दलितों के हालात बिहार में इस कदर है कि आज भी लोग ये नहीं जानते हैं कि वोट देना क्या होता, तो वो अपने वोट के अधिकारों को नहीं जानते, तो वो कैसे देश की राजनीति में सहभागिता निभाएंगे। नेता का काम होता है अपने समाज को जगा देना, उन्होंने तो मुझे नहीं लगता जगाया। आप देखेंगे अगर जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि मैंने अपने समाज के लिए बहुत किया, तो आज भी आप देखेंगे कि वोटिंग के दिन उनकी समाज को कोई लेना देना नहीं होता है, वो जाकर ईंट भट्टों पर काम करते हैं। तो ये कैसा सामाजिक और दलित जागरण की बात कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं उन्हें दिखाऊंगी कि वाकई में दलितों के बीच काम करना क्या होता है और किस तरह से दलितों का उत्थान मिलता है। अनामिका जी, एक आखिरी सवाल है कि जहां से चुनाव लड़ रही है कल्याणपुर से, वहां पे महेश्वर हजारी जी जदयू के कद्दावर नेता जो अभी भी मंत्री है, तो कितना आपके लिए चैलेंज रहेगा कि उनको डिफीट करके आप आगे हैं और जनता की भलाई कर?
जी, मैंने कल्याणपुर को इसलिए चुना है और समस्तीपुर से भी मैं लोकसभा चुनाव लड़ी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख गया कि वहाँ एक दो वंश ऐसे हैं जिनका पूर्णतः कब्जा है समस्तीपुर पर। जनता कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर और कभी नेता के नाम पर उनको वोट देती आई। मैंने जनता की अदालत में डायरेक्ट गई और मैंने जनता से पूछा कि क्या आपको विधायक चाहिए, अच्छा काम करने वाला नेता चाहिए, या आपको बड़े पार्टी का नेता चाहिए जो क्षेत्र से 5 साल गायब रहते हैं। मुझे जानकारी भी मिली कि वो क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया और जनता के बीच वो जाने से भी कतराते हैं, और जनता ने मुझे अपार प्यार समर्थन लोकसभा में कल्याणपुर की जनता ने दिया है। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं कल्याणपुर से लड़ूंगी और बड़ी पार्टियां आ जाए मैं टक्कर देने के लिए तैयार। मैं क्या, जनता टक्कर देगी, ये लोकतंत्र है। जनता फैसला करेगी कि हमारा सेवक कौन बनेगा और कौन हमारे बीच काम करेगा। मैंने तो जनता को कह दिया कि मैं, आप मुझे 5 साल का ही मौका दीजिए, 50 साल नहीं, और मैं 5 साल में ही दिखाना चाहती हूँ और सेवक बनकर दिखाना चाहती हूँ और दिखाऊंगी कि वाकई में विधायक के कर्तव्य क्या होते हैं, उनकी ड्यूटी क्या होती है, किस तरह से उनको जनता का दुख दर्द समझना चाहिए और किस तरह उनको सदन में अपने क्षेत्र के समस्याओं पे पुरजोर तरीके से काम करना चाहिए, ये विधायक नहीं जानते। मैं उनको सिखाऊंगी और बिहार में एक उदाहरण पेश करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी बहुत नमस्कार आपके। अब जनता 10 नवंबर को किसको चुन के सत्ता में लाती है तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। धन्यवाद।